तो भाई लोग आज किस वीडियो में बात करते हैं गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के फैन और गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को कितना प्यार करते थे, यानी कि गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के दोस्त और उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रुम मानते थे और काफ़ी अच्छे दोस्त थे उनके, और दोस्तों के लिए भी अपनी जान देता था दुर्लभ कश्यप, जो कि उनके दोस्त उनको दोस्त क्यों मानते थे, यानी कि उनको अपना बेस्ट ग्रुम मानते थे। दुर्लभ कश्यप के अंदर एक खतरनाक जिगरा था और दुर्लभ कश्यप का जिगरा बहुत ही खतरनाक था, जो कि दुर्लभ कश्यप यानी कि यार अपने जिगर की वजह से पूरे इंडिया में फेमस हो गए थे, यानी कि यार उनका जिगरा यानी कि 100 आदमी भी खड़े हैं तो नहीं डरेगा दुर्लभ भाई, यानी कि दुर्लभ भाई हर किसी को मतलब कोई छेड़ देता उसकी तो 12 ही बचा देता था, यानी कि यार ऐसे नहीं सोचता था कि मेरे पीछे 10 बंदे खड़े या फिर 100 बंदे खड़े, ऐसे कभी नहीं सोचता था। अकेला के अंदर इतना जिगर था कि वो अकेला ही लड़ लेता था, यानी कि अकेला किसी से नहीं डरता था। बाकी यार गाइस एक बात बता देता हूँ, दुर्लभ भाई को यानी कि इसने फालतू अंजाम दिया था, यानी कि यार छुपके से वार किया था जिसके अंदर दुर्लभ भाई की मौत हो गई है, लेकिन यार दुर्लभ भाई किसी के बाप से नहीं डरता था। एक बात और बता देता हूँ, दुर्लभ कश्यप के पिताजी और दुर्लभ कश्यप की मम्मी दुर्लभ कश्यप को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। बाकी यार गाइस एक बात और बता देता हूँ, दुर्लभ भाई के फैन यानी कि दुर्लभ कश्यप के दोस्त आज भी दुर्लभ भाई को मिस करते हैं और आप सभी मिस करते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप किसको मिस करते हो। दुर्लभ भाई को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं उनके फैन और दुर्लभ भाई की सोचते हैं कि काश दुर्लभ भाई आज इस दुनिया के अंदर होता तो हम कितने आगे होते, लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, जो अच्छे इंसान होते हैं उनको भगवान जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन यार दुर्लभ भाई की काफ़ी याद रहेगी, दुर्लभ भाई को काफ़ी जने मिस करते हैं और उनके दोस्त और उनके घर वाले भी मिस करते हैं, यानी कि यार गाइस 16 से लेके 50 साल तक के लोग उनको दुर्लभ भाई को मिस करते हैं, यानी कि यार 16 के बच्चे भी मिस करते हैं, यानी कि यार सभी लोग उनको मिस करते हैं, क्योंकि यार उनका व्यवहार भी अच्छा था और उनका काम भी बहुत ही खतरनाक था, लेकिन उनका काम खतरनाक था लेकिन उनका एक प्यार तो सभी के लिए था। बाकी यार गाइस एक बात और बता देता हूँ, दुर्लभ भाई किसी के बाप से कभी नहीं डरते थे और ना ही कभी डरते थे, लेकिन यार गाइस दुर्लभ भाई के फैन यानी कि उनकी गैंगे वगैरह भी अभी चलती हैं, लेकिन उनकी गैंगे वगैरह चलती हैं दुर्लभ भाई के नाम से, यानी कि यार दुर्लभ कश्यप का चेला जो कि फेसबुक पर एक गैंग है वो आप देख सकते हो, उसके अंदर काफ़ी बंदे जुड़े हुए हैं, लेकिन यार गैस आपको एक बात बता देता हूँ, ज़्यादा गैंगों के अंदर ना घुसे तो ही अच्छा है। हाँ एक फ़ैन होने के नाते आप इनके बारे में जान सकते हो, लेकिन यार आपको एक बात बता देता हूँ, गैंगों के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा है, यानी कि अपना भविष्य खराब करना होता है, लेकिन दुर्लभ भाई ने देखो ना भविष्य खराब कर लिया, लेकिन यार दुर्लभ भाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यार उनको कदम ही उन्होंने ऐसा चुना था जो कदम सरकार भी अपन को सहायता नहीं देती है। तो गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट जानकारी आपको किसके बारे में चाहिए वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।